आपने इस ड्रामा के पिछले पार्ट नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लें। अगर आपको ड्रामा की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। बॉडीगार्ड से भागते भागते तियान कहीं छुप जाती है, जहां उसे बॉडीगार्ड्स ढूंढ नहीं पाते, पर वहीं तियान को एक लड़की ढूंढ लेती है और अपने साथ उन बॉडीगार्ड से बचा कर ले आती है। तियान, तुम कौन हो और मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? वो लड़की, मैं तुम्हारी हेल्प इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम प्रॉब्लम में हो। तियान, तो तुम मुझे एयरपोर्ट तक पहुँचा दो। लड़की, ठीक है, तुम अपने क्लॉथ्स चेंज कर लो जिससे वो लोग तुम्हें पहचान ना पाए। फिर वो लड़की तियान को सड़क पर ले जाकर धक्का दे देती है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर वो लड़की अपने बॉस के पास जाती है, जिसने उसे तियान के साथ ऐसा करने को कहा था। अभी उसके बॉस का फेस नहीं दिखाया जाता। जब तियान के एक्सीडेंट के बारे में हुआंग को पता चलता है तो वो जल्दी से तियान के पास हॉस्पिटल में पहुंचता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि तियान की याददाश्त चली गई है। फिर हुआंग तियान के पास जाता है। तियान पूछती है, तुम कौन हो? हुआंग, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारे डैड ने मुझे अडॉप्ट किया था। तियान, मैं कौन हूँ और मैं यहाँ कैसे आई? हुआंग उसे सब बताता है। जिनको जब तियान नहीं मिलती तो वो वापस चाइना आ जाता है और अपनी पूरी कोशिश करता है उसे ढूंढने की, पर वो उसे नहीं मिलती। चीची भी जिनके पास पहुंचती है और कहती है, जिन, हम मिलकर तियान को ढूंढ ही लेंगे, इसलिए तुम टेंशन नहीं लो। असिस्टेंट जिन से कहता है कि शायद उसे तियान के बारे में कुछ पता और फ्रेंच के डायरेक्टर से चल सकता है। नेक्स्ट डे जिन सबसे पहले तियान की मॉम की ग्रेप पर जाता है और तियान की मॉम से माफी मांगता है क्योंकि वो उनसे मिलने उस दिन नहीं आ पाया था। तैन जिन डायरेक्टर के पास जाता है तियान के बारे में पूछने के लिए। वो बताते हैं, कल कुछ लोग आए थे, बिल्कुल माफियाज की तरह लग रहे थे। वो तियान के बारे में पूछ रहे थे और एक तो खुद को तियान का बड़ा भाई बता रहा था, जिसका नाम सीतू था, पूरा नाम मुझे याद नहीं है। असिस्टेंट जिनको सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके देता है हुआंग के बारे में। दूसरी तरफ हम हुआंग को देखते हैं, जो कि तियान को वापस चाइना ले आता है। हुआंग की बहन चियांग उससे कहती है, तुम तियान को चेयरमैन बनाना क्यों चाहते हो? तुम चेयरमैन की पोस्ट के लिए बिल्कुल सही हो। हुआंग, तियान के डैड ने अपनी विल में लिखा था कि उनकी बेटी ही चेयरमैन बने। चियांग, वैसे भी तियान की मेमोरी चली गई है तो तुम्हें हमारे अडॉप्टेड डैड की बिल की बात मानने की जरूरत नहीं है। हुआंग, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इतना अनग्रेटफुल नहीं हो सकता। तियान छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। नेक्स्ट डे लॉयर कंपनी जाता है और तियान को कंपनी का चेयरमैन बनने को कहता है, पर चियांग इस बात के अगेंस्ट होती है। वो नहीं चाहती कि तियान चेयरमैन बने और वो सबके सामने कहती है कि लंदन में मैंने ही तियान का कार एक्सीडेंट करवाया था, जिससे ये मर जाए और हुआंग ही कंपनी का चेयरमैन रहे। हुआंग को चियांग पर गुस्सा आता है और वो उसे रूम में लॉक करवा देता है। देन हुआंग तियान को बताता है कि उसकी कंपनी के लिए सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर चिन कंपनी है और उसका प्रेसिडेंट है जिन। जिनका नाम सुनते ही तियान को पास्ट की बातें याद आने लगती हैं, पर पूरी तरह से नहीं आती। तियान हुआंग से कहती है, अब तुम कंपनी की टेंशन छोड़ दो, जिन कंपनी के प्रेसिडेंट जिन को तो मैं देख लूंगी। इधर असिस्टेंट जिन से कहता है कि उनका हुआंग से मिलना बहुत मुश्किल है, पर वो उसकी बहन चियांग से मिल ले तो तियान के बारे में कुछ पता चल सकता है। जिन और असिस्टेंट चियांग से मिलने जाते हैं, पर बॉडीगार्ड्स उन्हें उससे मिलने नहीं देते। थोड़ी देर बाद तियान भी चियांग से मिलने जाती है। बॉडीगार्ड्स उसे भी मना करते हैं, पर वो थोड़ी देर बात करने की कहती है तो वो मान जाते हैं। तियान बॉडीगार्ड्स को केक देकर जाती है खाने के लिए। जैसे ही वो केक खाते हैं बेहोश हो जाते हैं। तियान ने ऐसा इसलिए किया जिससे चियांग वहां से भाग सके। तियान चियांग के पास जाती है और उससे कहती है कि वो उसे सीक्रेट बताए। चियांग, तुम्हारे रूम में एक सुरंग है तो पहले तुम मुझे अपने रूम तक लेकर जाओ, तब मैं तुम्हें सीक्रेट बताऊंगी। तो तियान उसे सबसे छुपाकर अपने रूम तक लेकर आती है, पर वो इस बार भी तियान को कुछ बताए बिना चली जाती है। बस इतना कहती है कि मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन बाहर पहुंचकर बताऊंगी और तुम मेरे रूम में जाकर बेहोशी होने का नाटक करो, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि तुमने मेरी हेल्प की भागने में। तियान रूम में जाकर बेहोशी का नाटक करती है, जिस वजह से किसी को भी उस पर शक नहीं होता। शाम के टाइम जब तियान कंपनी के काम से बाहर जाती है तो जिन उससे मिलता है, पर तियान उसे खुद से दूर करती है क्योंकि वो उसे पहचान नहीं पाती। नेक्स्ट डे तियान असिस्टेंट से कहता है कि वो कैसे भी करके चियांग का पता लगाए, क्योंकि वही है जो उसे तियान से मिलवा सकती है। पर चियांग खुद ही जिन को ढूंढकर उससे मिलती है और कहती है, मैं तुम्हें तियान से मिला सकती हूँ। जिन, क्या मतलब है तुम्हारा? चियांग, मुझे सब पता है जो हुआ है, अगर तुम मेरी सेफ्टी की गारंटी लो तो मैं तुम्हें सब बताऊंगी। जिन, ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम तियान को देखते हैं। वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ एक आंटी उसे चुपचाप नोट देती है जो चियांग ने भेजा था। चियांग उसे अकेली पार्किंग एरिया में आने को कहती है। तियान वहां पहुंचती है तो जिन उसे हक कर लेता है। तियान उससे
खुद को दूर करती है और पूछती है, तुम कौन हो? जिन, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तियान ये जानकर सरप्राइज होती है। जिन, तुम अभी सब भूल गई हो इसलिए मुझे पहचान नहीं पा रही हो। तियान, हाँ ये सही है कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ, पर मैं ऐसे ही किसी को अपना हस्बैंड नहीं मान सकती। जिन, अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है तो मैं तुम्हें किस करता हूँ जब तक तुम्हें सब याद ना आ जाए तब तक, और वो उसे किस करता है। तियान, क्या तुम पागल हो गए हो? जिन उसे फिर से किस करता है। इस बार तो तियान उसे स्लैप मारती है। उसी टाइम वहाँ बॉडीगार्ड्स भी आ जाते हैं। जिन तियान को याद दिलाने की कोशिश करता है उसका पास, पर तियान वहाँ से चली जाती है और हुआंग से कहती है, मैं खुद को ढूंढना चाहती हूँ। हुआंग उसे मना करता है, पर उसके मना करने के बाद भी तियान सब कुछ याद करने के लिए ऑर्फनेज में जाती है, पर वहाँ भी उसे कुछ याद नहीं आता। डायरेक्टर तियान से कहते हैं कि जिन की वजह से ये ऑर्फनेज काफी अच्छा चल रहा है, जिन ने बहुत डोनेशन दिया है। तियान ऑर्फनेज में ही रुकती है। जिन को जब ये पता चलता है तो वो उससे मिलने वहाँ जाता है, पर हुआंग उसे तियान से मिलने नहीं देता। जिन, तुम मुझे तियान से मिलने क्यों नहीं दे रहे? क्या तुम्हें डर है कि कहीं मैं उससे मिल गया तो वो तुम्हारे साथ लंदन वापस नहीं जाएगी? हुआंग, तुम यहाँ से जाओ। जिन, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं तियान से तो मिलकर रहूंगा। चलो हम शर्त लगाते हैं, अगर मैं हार गया तो तियान से कभी नहीं मिलूंगा। हुआंग, ठीक है। और वो जिन की शर्त की बात तियान को बताता है कि जिन, अगर तुमसे मिलकर भी तुम्हारी मेमोरी वापस नहीं ला पाया तो वो हमें परेशान नहीं करेगा। हुआंग तियान से कहता है, अगर ये शर्त जिन जीत गया तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें फ्रीडम दे दूंगा। देन तियान अकेली अपने पुराने ऑर्फनेज वाले घर पर रुकती है, जहाँ उसे वही नोट मिलता है लिपस्टिक के निशान का जो उसने जिन को लिखा था जब वो फर्स्ट टाइम मिले थे। अपने रूम की थिंग्स देखकर तियान को सब याद आ जाता है और वो जिन को कॉल करती है, पर मिलने आने से मना करती क्योंकि हुआंग के बॉडीगार्ड्स उस पर नजर रखे थे। नेक्स्ट डे तियान अपनी मॉम की ग्रेव पर जाती है, उसके साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी जाते हैं। तियान उन सब से कहती है कि वो उससे 10 मीटर की दूरी पर रहें। थोड़ी देर बाद उन्हें तियान भागती हुई दिखती है तो वो उसके पीछे जाते हैं, और जब उसे पकड़ते हैं तो पता चलता है कि वो तियान नहीं बल्कि श्यांग है। श्यांग ने तियान की हेल्प की जिनसे मिलने में। इधर तियान जिनसे मिलती है, जिन खुशी से तियान को हग कर लेता है। तियान जिनको बताती है कि उसने चेयरमैन की सीट पर गिव अप कर दिया है, वो चेयरमैन नहीं बनना चाहती, वो बस खुशी से उसके साथ रहना चाहती है। जिन, ठीक है, और फिर वो तियान को अपने साथ ले जाता है। फाइनली दोनों बहुत खुश होते हैं और बहुत सारी डिफिकल्टीज के बाद एक हो जाते हैं, और लास्ट पार्ट के साथ ये ड्रामा यही एंड होता है। मैंने इस ड्रामा के दोनों सीजन एक्सप्लेन कर दिए हैं, सो आई होप आप सभी को ड्रामा की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो।